नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध अथ पंचदशोध्याय, पंद्रहवां अध्याय, गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथा क्रम देना चाहिए। देव कार्य में दो, पितृ कार्य में तीन अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। भोजयेत् सुसमृद्धोपि श्राद्धे कुर्यात् न विस्तरम्। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखे। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं, वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित हविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म की पांच शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण आश्रमोचित धर्म हैं वे भला
किसे शांति नहीं देते। स्वभाव विहितो तो धर्म कस्य नेष्टः प्रशांतये। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम् कुतस्तत् काम लोभेन धावतो अर्थे हया दिशः। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु दसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज विद्या तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है, क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। असंतोषात् पतन्ति अधः। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के परित्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन स्थान संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपलब्धि के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं।
सदगुरु भगवान की जय। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा पांचों इंद्रिय और मन ये छह वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे दुष्ट पुरुष के श्रौत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे, विदेशिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुख कर आसन से उस पर बैठकर ओंकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमा कर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और सब वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठा, कृमि एवं राख समझ लिया था, वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जान लिया है, तो किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। आत्मानं चेत् विजानीयात् परम ज्ञान दुराशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर् देहं पुष्णाति लंपटः। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओंकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य। इस ओम
ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं, कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान ही होती हैं। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकारमय संसार के कुएं में गिरा देंगे। संसार कूप पुरु मृत्यु भय क्षिपंती। वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं, एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं निवृत्ति परक। तो प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। शयन याग आदि हिंसामय कर्म अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशुयाग होमयाग वैश्वदेव बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं, और ये देवालय बगीचा कुआं आदि बनवाना तथा ब्याऊ आदि लगाना पूर्त कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म हैं और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरोडाश आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है, फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्र लोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर दृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि लता अन्न और वीर्य के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में और वर्ण समुदाय को
अ उ म इन तीन स्वरों के रूप में होने वाले ओंकार में, और ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, और नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में, और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है, और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूलोपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है, फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में ले करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित हो जाता है, फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके सूर्य रूप से स्थित होता है। इस प्रकार ऋषियों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है, यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग में जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्व वेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं। फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार और युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणाम ही, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनमें अनुगत ही, अतएव मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवयव रूप ही हैं। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही हैं। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थीं वे अब भी हैं, और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं, तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं,
तो वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावाद्वैत क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। युधिष्ठिर, मन वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराय का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार ये द्रव्याद्वैत है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध न हो उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करने चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीत कर तुमने बड़े बड़े राज सूर्य आदि यज्ञ किए हैं, पूर्व जन्म में इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपबरहण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंध ही निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है, फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। तो देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात
परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंदानुभव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विवल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें ये दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। नारायण 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 नारायण।